जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की जयंती और वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया तृतीया कहलाती। कहने का मतलब ये है, मतलब अक्षय जिसका कोई क्षय नहीं हो, जो भी आप कर्म करते हो, कैसा भी कर्म करते हो, वो अक्षय हो जाता है, उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। इस दिन मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो पूरा क्षण होता है अक्षय तृतीया का, उसका एक एक क्षण हर एक बड़े से बड़े मुहूर्त के बराबर होता है। आइए, अब मैं लेके आया हूं अक्षय तृतीया पर आप सबके लिए कि भाई इस समय कोई ना कोई समस्या हर इंसान को बनी है, बनी रहती है। किसी को संतान सुख, विवाह, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहता हो, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हो, मतलब कोई ना कोई समस्या जरूर है। या शारीरिक समस्या, परिवार में कलह, धन वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन सब के लिए अक्षय तृतीया एक अनमोल समय है, इसको वैसे ही नहीं गवाना चाहिए। इस दिन सेवा करने से, पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है वो अमोघ होता ही है। पितृ दोष भी शांति होती है, नवग्रह शांति भी प्राप्त। अब बात करते हैं, देखो आगे, अब की बार जो अक्षय तृतीया है, जो इसका समय है वो 25 अप्रैल 2020 दोपहर 11:53 से शुरू हो रही है और अगली 26 अप्रैल 2020 तक, 13:24 तक, यानी कि 1:30 बजे तक लगभग ये रहेगी। खास क्यों है देखो, क्योंकि सूर्य मेष में उच्च राशि के रहेंगे, जो भी गोचर कर रहे हैं। वृषभ में चंद्रमा उच्च के रहेंगे। बात करें जहां जो नक्षत्र रहेगा 25 अप्रैल को, वो कृतिका नक्षत्र अर्थात सूर्य का नक्षत्र रहेगा और सूर्य उच्च के हैं। बात करें रोहिणी नक्षत्र रहेगा 22:56 तक, अगले दिन यानी 26 अप्रैल को, चंद्रमा का सबसे प्यारा नक्षत्र होता है। सूर्य, मंगल और चंद्रमा तीनों उच्च के चलेंगे, रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो मेष राशि प्रथम भाव, जहां सूर्य विराजमान रहेंगे, सरकारी नौकरी के कारक, औषधि के कारक उच्च के, भाग्य के भी ये कारक होते हैं, पंचम भाव के भी ये कारक होते हैं, संतान भाव के भी ये कारक होते हैं, ज्ञान के भी ये कारक होते हैं, हर चीज के ये कारक हैं, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं, उच्च के रहेंगे। इनके बाद आता है जो रानी के रूप में जाने जाते हैं, चंद्रमा स्त्री के कारक हैं, उच्च के रहेंगे, जहां शुक्र विराजमान है खुद ही उसके साथ युति बना, चंद्र शुक्र की युति वृषभ राशि में रहेगी। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो वृषभ राशि धन भाव की राशि, वृषभ राशि परिवार की राशि कही जाती है, या दोनों मिलकर विराजमान रहेंगे, चंद्रमा उच्च के रहेंगे। तो आप खुद ही बताइए, धन वृद्धि भी होने वाली है। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा 25 अप्रैल को, वो है 12 बजे से लेके 12:50, ऐसे ही 26 अप्रैल को भी ये ऐसे ही रहेगा ये। और गुलिक काल भी आपको बता देता हूं, 5:58 से 7:35 तक 25 अप्रैल को है, क्योंकि जो अक्षय तृतीया शुरू हो रही है वो 11:53 25 अप्रैल को है, इसलिए गुलिक काल 25 अप्रैल वाला लिखा है, पूरी रात मिलेगी आपको। अब करना क्या है, अब मान लो जैसे आपकी दशा चली हुई है बुध की, गुरु की, शनि की, सूर्य की, शुक्र की,
तो आप इनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, राहु को छोड़कर। राहु राक्षस ग्रह है, मैं उसके सलाह नहीं देता बीज मंत्रों की। उसकी बजाय, राहु की बजाय आप गणेश जी के, गणपति अथर्व शीर्षक गण संकटनाशक गणेश स्तोत्र है, गणपति जी के 12 नाम है, हनुमान जी की आप सेवा कीजिए। हनुमान मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा एक अमोघ शस्त्र है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है, कैसे इसका फल मिलता है, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। या फिर आपके पास में मान लो आर्थिक तंगी है, धन रुक नहीं रहा है, धन आ नहीं रहा है, तो मैंने शिव तांडव स्तोत्र भी बताया हुआ है कि उसको कब पढ़ना चाहिए, उसका लक्ष्मी कनेक्शन क्या है। आप जाइए और शिव तांडव स्तोत्र का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 25 अप्रैल की जो रात है वो पूरी आपको मिलेगी, उस रात का आपको फायदा उठाना है। और कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है आपको, कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन वैसे ही है, आप बाहर नहीं जा सकते, फिर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो साधारण तरीके से अब पितरों को खुश कैसे किया जाए, पितरों को खुश करने का तरीका मात्र यही है कि आपको संध्या काल होने से पहले पहले, अर्थात सूर्य छिपने से पहले पहले, गौ माता को आपको हरा चारा खिलाना है। हरा चारा नहीं है तो गाय को रोटी खिला सकते हैं गुड़ के साथ, काले तिल खिला सकते हैं, राहु की शांति हो जाएगी। तो यह है पितरों को सबसे ज्यादा खुश करने का तरीका। अगर हवन भी आप करते हैं, कोई जरूरी नहीं है बड़ा हवन करने की, आप छोटा सा हवन कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, तुरी संध्या जिसको बोलते हैं उसमें भी, या दिन में भी आप 26 अप्रैल को कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी आप 5 बजे कर सकते हैं। कुछ नहीं, काले तिल या फिर नारियल का बुरादा होता है, शक्कर मिला के आप हवन कर सकते हैं, छोटा सा काली तिल हो तो बहुत अच्छा है। तो आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु को नियंत्रण गणेश जी और माता जी और हनुमान जी तो करते ही हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, उससे वशीकरण भी हो सकता है, उससे उच्चाटन भी हो सकता है, मारण मोहन सब उससे संभव है। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। राम जी के मैंने 108 नाम अभी कल या परसों में ही डाले हैं, आप उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उनके नामों का चमत्कार आप देखिए। ये चीजें हैं जो आपको हर सुख, हर चीज, हर मनोकामना आपकी पूरी करेगी। अक्षय तृतीया साल में एक बार आती है, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। शिव तांडव स्तोत्र से फायदा ये है कि मान लो आप इसने इसको पढ़ना शुरू किया तो आपके पास अगर धन नहीं आ रहा हो तो कहीं ना कहीं से धन अवश्य आएगा, भले ही आपने किसी को दे रखा हो तो अवश्य धन आएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन से आप शुरुआत कीजिए शिव तांडव को पढ़ने की। रात को पढ़ना है सूर्य छिपने के बाद, लगभग रात्रि में 8 बजे। मंत्र की बजाय मैं आपको कहूंगा चालीसा, 108 नाम किसी भी देवी देवता के आप पढ़ सकते हैं, राम के भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। इस दिन आपको दान, ध्यान, जप आदि का अद्भुत फायदा मिलेगा। आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठकर आपको इसका जाप करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी आप नाम जप कर सकते हैं, बिस्तर में बैठे बैठे भी नाम जप कर सकते हैं। कलयुग है, कोई स्नान आदि की जरूरत नहीं है, स्नान आदि की जरूरत जब होती है जब आप सोच करके आते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप ये ज्ञान जो है अपने तक ही सीमित ना रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके, लोगों को ज्ञान पहुंच सके। हमको कोई 1 रुपया खर्च नहीं करवाना है किसी पंडित को, या किसी को नहीं देना है, क्योंकि इंसान खुद ही सक्षम होता है हर चीज करने के लिए। नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई किस ग्रह की दशा चली हुई है, महादशा नाथ कौन है, अंतरदशा नाथ कौन है, किस ग्रह से पीड़ा उत्पन्न हो रही नहीं पता है, तो आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं।
जिनके शनि की दशा चली हुई है दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ जाप कर सकते हैं, या फिर शनि देव की जो पत्नी है और उनके जो 12 नाम हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। तो और आपको बता दूं, यदि आप प्राणायाम जिसको बोलते हैं, अनुलोम विलोम है, कुंभक है, रेचक है, ये आप कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कुंभक रेचक जितना आप ज़्यादा करते हैं उतना ही करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। दोस्तों बस इसी के साथ ही मैं विदा लूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।